डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और बात करेंगे कोरोना महामारी की। कोरोना वायरस एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोग कोरोना से उभर भी नहीं पाए थे कि ब्रिटेन में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ब्रिटेन में एक नए वायरस मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। अब इसका खुलासा गुरुवार को स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने सांसदों से बातचीत करते हुए कहा कि ब्रिटेन अभी दुर्लभ मंकी पॉक्स वायरस के कहर से निपट रहा है। अब इस मामले में पब्लिक हेल्थ वेल्स यानी PHW ने बताया कि मंकी पॉक्स वायरस की 2 लोगों में पुष्टि हुई है। दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि इससे ब्रिटेन की आम जनता के लिए जोखिम बहुत कम है। वैसे ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि अफ्रीका में पाए जाने वाले इस वायरस का संक्रमण और लोगों में तो नहीं हुआ है। पब्लिक हेल्थ वेल्स के मुताबिक इस वायरस के दोनों मरीज नॉर्थ वेल्स के एक ही घर में पाए गए हैं, लेकिन उनकी उम्र या फिर लिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आखिर ये मंकी वायरस है क्या, आइए आपको बताते हैं। आज से लगभग 30 साल पहले तक चेचक की बीमारी, जिसे स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये महामारी काफी समय तक दुनिया के लिए जांच का विषय बनी रही थी। लेकिन स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन आने के बाद इस महामारी से छुटकारा भी मिल गया। वहीं ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के दौरान मिले मंकी पॉक्स के मरीजों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इस वायरस का संक्रमण बंदरों से होता है, जिस कारण इसका नाम मंकी पॉक्स वायरस पड़ा। ये वायरस सबसे पहले 1950 के दशक में अफ्रीका के कुछ मरीजों में देखा गया था। हालांकि इस वायरस से नाइजीरिया देश काफी ज्यादा प्रभावित है, लेकिन गर्म क्षेत्र में वायरस का संक्रमण ब्रिटेन में मिलने के बाद यूके की समस्याएं बढ़ी नजर आई हैं। अब हम बात करेंगे कि इस मंकी वायरस के लक्षण क्या होते हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक के खुलासे के बाद अब आम जनता में से लेकर काफी ज्यादा अफवाहें चलने लगी हैं। वहीं लोगों के मन में एक सवाल जो बार बार उठ रहा है कि आखिर इस वायरस से प्रभावित होने के बाद हम किस तरह के लक्षण हमें दिखाई देंगे या हम किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि मंकी वायरस से प्रभावित व्यक्ति में तेज बुखार के साथ शरीर में सूजन आने लगती है, साथ ही तेज सिर दर्द, एनर्जी में कमी होना, त्वचा पर लाल चकते और फफोले पड़ने लगते हैं। ये फफोले कुछ दिनों बाद घाव का रूप लेना शुरू कर देते हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। ये एक संक्रामक बीमारी है, इससे प्रभावित व्यक्ति को अलग जगह पर रखना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इस मंकी वायरस नाम की बीमारी से बचाव कैसे किया जाए। मंकी पॉक्स मुख्य रूप से इन्फेक्टेड रोडेंट्स जैसे कि कुतरने वाले जानवर, चूहा, गिलहरी और बंदरों से होता है। अब ऐसे में इन जानवरों से बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुशमीट यानी वो जानवर जो गैर पालतू होते हैं, और अधपके मांस से भी इस वायरस का संक्रमण फैलता है। ऐसे में ये मांस खाने से बचे, साथ ही संक्रमित व्यक्ति को हमेशा मास्क पहनकर रखना चाहिए। मंकी वायरस के इलाज की अगर बात करें तो इसका अभी तक कोई भी टीका इजाद नहीं हो पाया है, लेकिन इस वायरस का शुरुआती समय में पता लगने पर मरीज को स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक का टीका लगाया जाना चाहिए, तभी इसके संक्रमण को रोका जा सकता है, साथ ही इसके खतरे को भी कम किया जा सकता है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को ये मंकी वायरस किस तरह से प्रभावित कर सकता है, साथ ही मंकी वायरस का संक्रमण सिर्फ 2 ही लोगों में हुआ है या फिर इससे भी ज्यादा, हालांकि ये जांच का विषय है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए डेली बज इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।